Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. So title देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ ऑफ टारिक सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन COEP, स्पेशली आफ्टर कोविड और लेट एडमिशन. नाउ आफ्टर कोविड एंड लेट एडमिशन क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की वजह से एग्जाम्स जो थे लास्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के, वो 6 से 7 महीने पोस्टपोन हो गए थे, अक्टूबर के मंथ में हुए. एंड देन एडमिशन के प्रोसेस होते होते जनवरी आ गया, तो पूरा एक सेमेस्टर DSY स्टूडेंट्स या डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो थे वो लेट हो गए अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए. तो उसके बाद कैसे कॉलेज ने या COEP ने स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स थे या उनका सेमेस्टर था कैसे एडजस्ट किए हैं ताकि उनकी डिग्री लेट ना हो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही उनकी डिग्री मिले. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो. उससे पहले ये टॉपिक सेकेंड पोजीशन पे आता था जो मुझे इंस्टाग्राम DMs थे कि आप लोगों को कैसा ट्रीटमेंट मिला कॉलेज के अंदर जब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के तौर पे गए, एंड वहाँ पे क्या क्या कुछ चीज़ें थी, आपको चैलेंजेस क्या क्या आए. पहली बार आप 6 सेमेस्टर मतलब 6 महीने एक सेमेस्टर लेट गए तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसीलिए ये वीडियो आ रही है. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दैट वीडियो. तो वीडियो का एजेंडा क्या है? एजेंडा है हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स हैं. मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करूंगी, लेकिन सब्जेक्ट्स अगर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से, आप हो इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सॉरी सारे डिपार्टमेंट के जो भी सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 इनके जो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो उनके लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो. ओके, देन हमें कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए, हमारे क्लासमेट्स एंड हमारे सीनियर्स कैसे थे, उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, देन कॉलेज का एनवायरनमेंट. ये एक क्वेश्चन था जो मुझे 2 या 3 लोगों ने पूछा था कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है DSY स्टूडेंट्स को लेके या कोई भी स्टूडेंट को लेके. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ये वीडियो है, सो लेट अस गेट इनटू दैट वीडियो. नाउ हमारे सब्जेक्ट्स कौन से थे? थर्ड सेमेस्टर में हमें ये सब्जेक्ट्स थे, लीनियर अलजेब्रा, प्रोफेशनल लॉज, एथिक्स, वैल्यूज एंड हार्मनी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट टूल्स, लेबोरेटरी, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, सो मच. फोर्थ सेमेस्टर में मल्टीवेरिएट कैलकुलस, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स. यस, COEP ऑल्सो ऑफर्स बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रैक्टिस यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेंसर्स एंड ऑटोमेशन एंड वॉट नॉट. नाउ लेकिन अब गड़बड़ ये हुई है, लेट एडमिशन होने के वजह से जो आप लोग येलो कलर में नाम देख रहे हैं वो हमने अभी एक सेमेस्टर में दिए हैं. ओके, ये सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं, और जो पिंक कलर में आप देख रहे हो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग अभी एक सेमेस्टर में देंगे, जो हमारा जुलाई तक या प्रोबेबिलिटी है कि हाफ ऑफ द अगस्त चलेगा. ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे, और ऐसा ही कुछ सिचुएशन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी था, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, INTC हो गया, तो ये कुछ सब्जेक्ट हमारे उनके साथ कॉमन भी थे, और उनके कुछ अलग डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स भी थे, वो भी ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके फिर कॉलेज ने एडजस्ट किया है. ओके, तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स. देन टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो सबसे पहला चैलेंज था कि सब कुछ नया था कॉलेज के अंदर, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा कॉलेज को अडाप्ट करने में, उसके सिस्टम को अडाप्ट करने में, क्योंकि हमें सारी चीज़ें समझनी थी. और इतना टाइम या इतना चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था, हमें कुछ समझ नहीं आता था किससे बात करें किससे ना करें, राइट? तो इसी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था सिस्टम को अडाप्ट करना. बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था बीच में, तो इतने लॉन्ग कॉलेज आवर्स उसको अडाप्ट करना और उसके साथ यूज टू होना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. देन जो इंटरेक्शन थी हमारे साथ, हमारे क्लासमेट्स के साथ या सीनियर्स की, तो जब हम लोग ऑफलाइन कॉलेज में होते तो शायद ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता हमारे लिए उनसे बात करना या उनसे इंटरेक्ट करना, बट ऑनलाइन है, आपको पता नहीं है कौन कैसे है, शायद उन्हें पसंद ना आए आपका बात करना उनसे, तो वो एक थोड़ा सा झिझक जो होती है वो थी. देन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, अब आप अगर ऑफलाइन कॉलेज में जाते हो तो आपके सीनियर्स आपको पहले से ही बता के रखते हैं कि ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको ये नहीं करना है, या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, राइट? तो ये सब चीज़ें थी हमारे लाइफ में
DSY CoEP स्टूडेंट जो हमें थोड़ा चैलेंजिंग लगा, शायद ये नेक्स्ट जो डाई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जाए उनको ना लगे क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑफलाइन कॉलेज में एंटर करेंगे, बट ये हमारे चैलेंजेस थे। देन हमारे जो सीनियर्स एंड क्लासमेट्स कैसे हैं, तो एक स्टोरी है कि क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम लोगों ने आई गेस जिस दिन एडमिशन लिया उसके एक या दो दिन बाद उन्होंने ही टीचर्स से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिए, हमसे कॉन्टैक्ट भी किया, इंटरेक्शन किया, हम लोगों को उनके जो ग्रुप्स होते हैं ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे ग्रुप्स में ऐड किया ताकि हम लोग को पता चले कि कैसे कौन से लेक्चर्स कब कब होने वाले हैं। हमारे पास हमारे यूजर नेम पासवर्ड्स नहीं आए थे कॉलेज के तरफ से, लेकिन उन लोगों ने फिर हमें एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करके हमसे हमारे लेक्चर्स मिस नहीं होने दिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक सेपरेट उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन सेशन भी लिया ताकि हम लोग को सब कुछ समझा सके कि कैसे हमें करना होता है, जब भी हमें लगा कि मूडल पे कैसे करना है, प्लेटफॉर्म समझ नहीं आ रहा है, या कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, असाइनमेंट्स कैसे देने हैं, कैसे फॉर्मेट में लगते हैं फैकल्टी मेम्बर्स को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो क्लासमेट्स वर वेरी सपोर्टिव। सीनियर्स की मैं बात करूँ तो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा हुआ नहीं, लेकिन मैं एक इवेंट का पार्ट थी जो अभी ऑनलाइन हुआ था हाल फिलहाल, तो उसके दौरान मेरे कुछ सीनियर्स जो थे मेरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, मेरी उनसे बात हुई, मैं एक दो क्लब्स की पार्ट हूँ तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो सीनियर्स आर वेरी गुड, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन कॉलेज में उनसे मिलते तो शायद वो ज़्यादा कुछ अच्छे से सपोर्ट भी कर पाते। अभी फिर भी ऑनलाइन है तो उन्होंने हमें सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ उन्होंने हेल्प किया। जब भी हमें कोई लगता था कि ये डाउट है या ये समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो स्कॉलरशिप के बारे में हो गया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। ऐसा मतलब बहुत कम बार हमें फैकल्टी तक रीच होना पड़ता है कोई चीज़ें पूछने के लिए। अगर आप सीनियर से बात कर लो वो पहले आपको सोल्यूशन बता देंगे। तो सीनियर्स एंड क्लासमेट्स आर वेरी नाइस। सीओईबी की ये खास बात भी है कि वो अपने सीनियर्स के सपोर्टिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि एक लेगेसी हो गई है, आपके सीनियर्स ने आपके साथ अच्छे से बिहेव किया, आपको सपोर्ट किया, तो आप अपने जूनियर्स के साथ करोगे। अब मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया, मुझे सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, तो मैं अपने जूनियर्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट दूंगी, राइट? तो ये एक लेगेसी क्रिएट हो गई है सीओईपी के अंदर और वो बहुत सालों से चली आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है सीओईपी के बारे में। एनवायरनमेंट कैसा है कॉलेज में, अगर आपने अभी तक देखा होगा मैंने सीनियर्स एंड क्लासमेट्स की बात की, तो एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। डीएसवाई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, मुझे एक लड़की ने पूछा था कि क्या डीएसवाई स्टूडेंट्स के साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है या क्या, मतलब सही है सीओईपी में एनवायरनमेंट? तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीएसवाईज के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग ट्रीट किया जाएगा आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर आते हो, तो सब लोग बहुत फ्रेंडली है, आपको सपोर्ट भी करेंगे सीनियर्स हो क्लासमेट्स हो। हाँ बट वो टाइप ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी नाइस, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। रैगिंग की बात करूँ तो बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है, जब इतने सपोर्टिव सीनियर्स हैं क्लासमेट्स हैं तो क्यों रैगिंग होगी, राइट? और कॉलेज आपको एडमिशन के टाइम पे एक एंटी रैगिंग फॉर्म भर लेता है, तो भरवा लेता है आपसे, तो रैगिंग की तो बात ही नहीं है। देन एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करूँ, टीचर्स भी बहुत अच्छे, फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में कैसे हो रही हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देन जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या बोल सकते हैं आप, आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज के साथ एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। तो अगर आप यहाँ तक आए गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है श्रुति पाटिल _official_। सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, एंड स्टे अपडेटेड फॉर द coming videos, and thank you so much, bye bye.